तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी हमें यह एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो है एटम अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। असम्पशन ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी का पहला पॉइंट यह है कि कोवेलेंट बैंड दो एटम ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनते हैं, तो इस ओवरलैप में भी एंड वाइज ऑर्बिट में साइड वाइज। तो फ्रेंड्स हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एंड वाइज ओवरलैपिंग एंड व्हाट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। अभी इधर मैंने आपके लिए इसके साथ एक पिक्चर अटैच किया है, आप इसमें देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और H2 मॉलिक्यूल बनता है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हाफ फिल ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे या वो ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। दोस्तों अगर आपको हाफ फिल, पार्शियली फिल और कम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल में डिफरेंस नहीं कर सकते हो तो ये पिक्चर मैंने आपके लिए अटैच किया है। यहाँ से आप आसानी समझ सकते हो कि हाफ फिल ऑर्बिटल, पार्शियली फिल ऑर्बिटल और कम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कोवेलेंट बॉन्ड में अपोजिट होगा। अब तो मैं फिर वही पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए कैसे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स वो दो तरीकों से होता है और उसके रिजल्ट में जो है दो किस्म के, ये जो दो किस्म के बॉन्ड बनते हैं इसमें एक किस्म जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैप से बनता है। दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैपिंग के जरिए जो है सिग्मा बॉन्ड बनाया है। ये जो लीनियर ओवरलैपिंग होता है ये इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के दरमियान भी होता है, इस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दरमियान भी होता है और पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दरमियान भी होता है। तो अब हम बारी बारी इन सब को पढ़ने वाले हैं कि एस एस ऑर्बिटल के एस एस ओवरलैप क्या होता है, एस पी ओवरलैप क्या होता है और पी पी ओवरलैप क्या होता है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो दो बॉन्डेड न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद होती है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक 1s ऑर्बिटल है और दूसरा 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इन्होंने जो आपस में ओवरलैपिंग किया है, लीनियर ओवरलैपिंग किया है या एंड वाइज ओवरलैपिंग किया है, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद है। दोस्तों अब हम उन टाइप को पढ़ने वाले हैं जिसका जिक्र इससे पहले मैंने आपके साथ किया था कि एस एस ओवरलैप है, एस पी ओवरलैप है और पी पी ओवरलैप है। तो दोस्तों एस एस ओवरलैप क्या है, एस एस ओवरलैप में दो ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है।
साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, इसको हम फाइव बांट देते हैं। तो व्यूअर्स आप इसी टेम्पल को देखते हैं कि यहाँ पर फील्ड वाइज ओवरलैपिंग के साथ साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होता है और सिग्मा बांट के साथ साथ फाइव बांट भी बना है। फाइव बांट में इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी दोनों ने और आप ये भी देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो अबाउट और बिलो द बांटेड मॉड्यूल है। दोस्तों ये मैंने आपके लिए दूसरा एग्जांपल इसमें ऐड किया है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है और उसके रिजल्ट में जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। और आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देख सकते हो कि जो है एक सिग्मा बांड है और दूसरा जो है वो पाई बांड है। और आप ये भी वो भी देख सकते हैं कि सिग्मा बांड जो है वो इनवाइज ओवरलैपिंग के जरिए बना है और जो पाई बांड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के जरिए बना है। और इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को भी दोस्तों ये भी हुई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। अगर वैसे आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला एग्जांपल अच्छा ना लगा हो तो आप इस कलर कोड एग्जांपल को बखूबी अंडरस्टैंड कर सकते हो। इस एग्जांपल में भी आपको जो है एंड वाइज ओवरलैपिंग को दिखाया गया है और साइड वाइज ओवरलैपिंग को भी दिखाया गया है इसमें। इसके अलावा आपको इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को भी दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो इसमें अपोजिट है। अच्छा दोस्तों ये आखिरी एग्जांपल है इथाइलीन का, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। आप इसमें देख सकते हो कि इधर भी सिग्मा बांड भी बना है, लीनियर ओवरलैपिंग हुआ है और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी इसमें हुआ है और फाइव बांड जो है इसमें बना है, ठीक है। और इसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को जो है बखूबी समझ सकते हो या देख सकते हो जो अबाव और बिलो द बांड एक्सिस है, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर